विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में गद्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो चौथा पाठ है, सोच अपनी अपनी, यह आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पुस्तक की जो पेज नंबर 20 है वह निकाल के रखें और रबर पेंसिल भी साथ में रखें। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यह पाठ चित्र पाठ है। तो आपके पुस्तक में आप देखिए कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में एक प्रकृति का चित्र है, यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। आ एक गामनू दृश्य छे, जे सवारनो छे। सुबह का समय है अने सवारनो समय छे। सूर्योदय हो चुका है, सूर्य निकली रह्यो छे। पश्चिम पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल कर पेड़ की ओर जा रहे हैं। अने सवारनुं दृश्य छे एटले सवारे सूर्योदय थई रह्यो छे अने बधा पक्षीओ जे छे पक्षीओनी चहल पहल थवा लागेली छे अने ए पोतानो खोराकनी शोधमां एओ उड़ी रह्या छे। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। तमे आ चित्रनी अंदर जो, आ दृश्यनी अंदर जो, तो जे चरवाहा छे ते पोतानी गाय ने लईने एने चरावा माटे निकळ्या छे। रास्ते के नजदीक एक बगीचे का दृश्य है। विद्यार्थी मित्रों, आ जो अहीं के अहीं रस्तो छे, ए रस्तानी सामेनी बाजू एक बगीचो बनेलो छे। एक बगीचे का दृश्य है अने ए बगीचो छे, ते बगीचानुं दृश्य आपने देखाय छे। बगीचे में 3 बच्चे दिखाय दे रहे हैं। तमे पण आ चित्रनी अंदर जो कि तेमां 3 बाळको रमी रह्या छे। 2 लड़कियां रंगबेरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है अने आ 2 छोकरीओ जे छे ए रंगबेरंगी जे पतंगिया छे तेनी पाछळ तेने पकड़वा माटे दौड़ी रही छे। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है अने एक छोकरो छे ए छोकरो पण पतंगिया ने पकड़वा माटे एनी पाछळ दौड़े छे। सुबह का सूर्य, तमे जो के सवारे जे सूर्य निकले छे एनु दृश्य अने पर्वत छे, सूर्य पर्वतमांथी निकळतो होय एवुं दृश्य छे। पर्वत छे, पछी पशु पक्षी छे, पक्षीओ भी आकाशमां उड़ी रह्या छे अने पशु पण जे पोतानो खोराक छे एना माटे चरवाहा एने चरावा माटे लईने जाय छे, एटले पशु पक्षी। पछी त्यां दूर दूर जो नगरनुं दृश्य छे, गामनुं दृश्य छे, एटले गामना दृश्यमां त्यां घर देखाय छे। घरनी पाछळ एक मंदिर पण देखाय छे अने એ દૂર દૂર બધા જંગલ અને પેડ જે વૃક્ષો છે એ બધા દેખાય છે। તો આમ જે સૂર્ય છે, પર્વત છે, પશુ પક્ષી છે, ઘર છે, મંદિર છે અને પેડ છે, તેના કારણે આખું જે દ્રશ્ય છે એ કેવું લાગે છે? ખૂબ મનભાવન લાગે છે। હવે જોઈશું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા અભ્યાસના જે પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। સૂરજ નિકલને પર પક્ષી ક્યાં કર રહે હે? તો સૂરજ નિકલને પર પક્ષી દાના ચુગને કે લીએ નિકલ પડે હે। આપણે જોયું ને દ્રશ્યની અંદર કે સૂરજનો સૂર્યોદય થયો છે અને બધા પક્ષીઓ આકાશમાં ઉડી રહ્યા છે, તો એ દાના ચૂગવા માટે નીકળી પડ્યા છે પોતાના ઘોસલામાંથી। એટલે શું આવશે એનો જવાબ? કે સૂરજ નિકલને પર પક્ષી દાના ચૂગને કે લીએ નિકલ પડે હે। હવે બીજો પ્રશ્ન જુઓ કે ચરવાહા ક્યાં કર રહા હૈ?
तो तमे चित्रनी अंदर जोयुं ने के चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। अबे जुओ त्रीजो प्रश्न, नारियल के कितने पेड़ है? तमे चित्रनी अंदर जोयुं केटला पेड़ छे नारियल ना, के नारियल के दो पेड़ है। घरनी घर अने मंदिरनुं जे दृश्य छे त्यां तमे जो बे नारियलना वृक्ष छे, तो केटला पेड़ छे? बे छे। चित्र में घर कितने हैं? तमे जो चित्रनी अंदर घर केटला बनेला छे, तो चित्र में घर पांच है। पांच छे ने घर, तो केटला छे? पांच। हवे जुओ बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रहे है। आपणे चित्रनी अंदर जोयुं के त्रण बाळको छे ए पतंगियानी पाछळ एने पकड़वा माटे दौड़े छे। हवे जुओ चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहा अपनी भेर बकड़ी चराने के लिए जा रहा है, उसके हाथ में क्या है? तो उसके हाथ में लकड़ी है। ठीक है, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो आपको ये प्रश्न एक और उनके जो मैंने आपको जवाब दिए हैं वह जवाब आपको पाकी नोटबुक में लिखने हैं। सोच कर बताइए, आ तमारे विचारवानो छे अने पछी तमारे लखवानो छे। तो चरवाहे क्या सोचते होंगे, कि चरवाहानी सोच शू छे? के तो एनो उत्तर शू आवशे के चरवाहे इस प्रकार सोचते होंगे के गाय चराने कहाँ जाए, नदी की ओर जाए के जंगल की ओर, गायों को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे, यह सोच रहे होंगे। अब दूसरा जो प्रश्न है वह आप देखिए विद्यार्थी मित्रों के, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं, चरवाहे गाय चराने के लिए निकल पड़े हैं, और किसान अपने खेत में काम करने लग गए हैं। सभी फूल खिल जाते हैं, सूर्य निकलने पर सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है, यानी कि जीवंत हो उठता है। अब हम यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है वह देखिए विद्यार्थी मित्रों के, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तमे लोको बगीचानी अंदर फरवा माटे जाओ तो त्यां शू करशो? तो एनो जवाब लखो के मैं बगीचे में होता तो रंगबेरंगी फूलों की भरक देखता, एटले के एमनो जे रंग छे ए जोता, फूलों की सुंदरता देखता, अने फूलोनी जे सुंदरता छे एने कोमळता छे ए देखता, झूले पर झूलता, रंगबेरंगी तितलिया देखकर प्रसन्न होता, खुश होता। अब चौथा प्रश्न, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो विद्यार्थी मित्रों कुत्ता इस प्रकार सोचता होगा कि यदि आदमी कहाँ जा रहा है, यह आदमी जो है वह कहाँ जा रहा है, मैं किसके साथ जाऊँ, उसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा या न मिलेगा, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा, कुत्ता यह सोचता होगा। अब देखो पांचवा प्रश्न, तितली उड़ती क्यों है? तितली जो है वह उड़ती क्यों है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपको लिखने हैं, और दो या तीन पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं, ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो तमारे शू लखवानू छे के व्यापारी टोकरी में टोकरिया ले जा रहा है, टोपी, टोकरी में टोपिया ले जा रहा है। हवे यहाँ जो व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो एनो जवाब शू आवशे विद्यार्थी मित्रों के व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रख रहा है। हवे यहाँ जो पेड़ के ऊपर कौन है, तेनो जवाब शू आवशे तमे चित्रनी अंदर जुओ अने पछी लखवानू छे तमारे, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। चित्रनी अंदर जुओ अने पछी लखो। बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो एनो उत्तर लखो बंदरों ने टोपिया पहन ली। हवे आगळ जो व्यापारी ने क्या किया, पछी व्यापारी ए शू कर्युं, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। हवे अहींया आगळ जो बंदरों ने टोपिया क्यों फेंक दी, बंदरों ने टोपी क्यों फेंक दी, तो बंदर ने व्यापारी की नकल की, नकल करके अपनी टोपिया भी फेंक दी। पहले व्यापारी ने टोपी फेंक दी, फिर उनकी नकल देखकर उस बंदरों ने भी टोपी फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी टोपिया बटोर रहा है, यानी कि इकट्ठी कर रहा है, तो बटोर रहा है। तो आ तमारे प्रश्नना उत्तर चोपड़ीनी अंदर ए लखवाना छे अने बाकी नोटबुक में पण लखवाना छे। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर पांच पांच वाक्य लिखिए। अहीं एक चित्र आप्युं छे विद्यार्थी मित्रों, ए चित्र ने जोईने तमारे एना विशे पांच वाक्य लखवाना छे। तो चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं, तमे जो अहीं दूर दूर त्यां दूर एक वृक्ष એટલે કે પેડ અને પૌધે નાના નાના જે છોડ છે એ આપણે આ ચિત્રની અંદર દેખાય છે। તો ચિત્રમાં પેડ ઓર પૌધે દેખાય દે રહે હે, હરી ઘાસ ભી દેખાય દે રહી હે। તમે જુઓ કે બગીચાની અંદર જે એક બગીચાનું ચિત્ર છે અને એ બગીચાની અંદર બધી જે હરી ઘાસ, લીલી લીલી જે ઘાસ છે એ પણ આપણે નજર આવે છે। દૂર દૂર તીન પહાડ ખડે હે, અને એ બગીચાની પાછળ જો એકદમ દૂરથી દૂર દૂર, તો એ દૂર દૂર ત્રણ પહાડ જે છે એ પહાડ ઊભા છે, ખડે છે। ઉપર ખુલ્લા આકાશ દેખાય દે, અને ઉપર જુઓ તો ઉપર એકદમ ખુલ્લું આકાશ આપણે નજર પડે છે। એક લપસણી હે, લપસણી જે આપણે અહીંયા બગીચાની અંદર એક લપસણી દેખાય છે। લપસણી દૂરી દૂસરી ઓર સીડી હે, અને લપસણીની બીજી બાજુ શું છે, સીડી છે ચડવા માટેની। લપસણી કે ઉપર એક લડકી ફિસલ રહી હે, કે એક છોકરી જે છે તે ત્યાં જે લપસણી છે તેના ઉપરથી સરકી રહી છે। ફિસલન પટ્ટી સે આસપાસ એક લડકા ખડા હે, દોનો ભાઈ બહેન ખુશ હે, અને એની બાજુમાં એક જે છોકરો છે એ છોકરો ત્યાં ઊભો છે, અને બંને ભાઈ બહેન કેવા દેખાય છે, એકદમ ખુશ દેખાય છે। તો આ રીતનું તમારે અહીંયા આ જે લીટીઓ આપી છે એ લીટીઓમાં તમારે આ ચિત્રનું વર્ણન કરીને પાંચ વાક્ય એના વિશે લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જેટલું મેં કરાવ્યું છે તમને કે આપણે સોચ અપની અપની એ ચિત્ર જે છે એ ચિત્રનું વર્ણન કર્યું છે, એ વર્ણન પણ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે। પછી મેં જે અભ્યાસના જેટલા પ્રશ્ન કરાવ્યા છે એ પ્રશ્ન પણ તમારે બાકી નોટબુકમાં એ લખવાના છે, અને જે ચોપડીમાં લખવાના છે એ ચોપડીમાં પણ લખવાના છે। અને આ જે
चित्र जे छे चित्रना जे जवाबो छे ए जवाब तमारे चोपड़ी में ए लखवाना छे अने पाकी नोट में ए लखवाना छे। अने आजे लपसणी वालू जे चित्र छे ए चित्रना जे पांच वाक्य लखवाना छे चोपड़ी में ए लखवाना छे अने पाकी नोटबुक में पण लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों हवे पछी आपणे आगळना लेक्चर में मळशुं। त्यां सुधी जय हिंद जय भारत अस्तु।